तुम कुछ नहीं कर सकते बलवंत सिंह हानिया, कुछ नहीं कर सकते। वीर तो गया काम से, निपट गया। तू वीर को कुछ नहीं कर सकती। मैं वीर को कुछ नहीं होने दूंगा, और उससे पहले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे मार दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो बलवंत? कोशिश नहीं, मैं तुझे वार कर रहा हूँ, आज छोड़ूंगा नहीं तुझे। बलवंत, मैं दिल से चाहती थी कि आज तुम कामयाब हो जाओ। इसी बहाने मुझे इस त्रिशूल से छुटकारा तो मिल जाता, लेकिन ये उस महाकाल शिव का त्रिशूल है जिसे कोई नहीं हिला सकता। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ना इस मामले में और ना ही वीर के मामले में। अब अगले फेरे में वधु आगे और वर पीछे चलेंगे। आइए पंडित। मैं वीरांशु सिंघानिया हूं पंडित, कोई मेरे आगे नहीं चल सकता, समझ गए? कोई बात नहीं जान, तुम जो चाहो वही होगा। मैं मनमानी करना चाहता हूं। सही करना चाहती हूँ, कम से कम अपनी एक शादी में तो मैं सब कुछ सही करना चाहती हूँ। जी जी, आप जैसा ठीक समझें वैसा करते हैं। चलिए चलिए पंडित जी। जी, अब मैं कुछ वचन बोल के करना चाहती हूँ, आपकी इजाजत हो तो। जी आगे आए बोलिए। अच्छी शादी में चार जरूरी चीजें होती हैं। पहली तो विश्वास और भरोसा। मैं अपने जीवन साथी पे आंख बंद करके भरोसा करूंगी। मैं वचन लेती हूं कि मेरे लिए सारी दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ। ऐसा अटूट भरोसा, इतना अटक विश्वास कि मेरी आखिरी सांस तक सिर्फ उसी का नाम लेगी। गलत फहमियों का अंधेरा कितना ही क्यों काला ना हो, लेकिन मुझे अपने रिश्ते पे इतना विश्वास होगा कि वो अंधेरे को भी रोशन करेगी। वीर, तुम मुझसे और कोई वादा नहीं करोगे? ऐसा अटूट भरोसा, इतना अटक विश्वास कि मेरी आखिरी सांस तक सिर्फ उसी का नाम लेगी। अरे आप रुक क्यों गए? ये आपका छठवां फेरा होगा, आइए। जिसके साथ मैं अपने पति के लिए उम्र भर वफादार रहने की कसम लेती हूँ, ये वो ऐसी तीसरी चीज है जो अगर किसी रिश्ते में कम पड़ जाए तो वो रिश्ता दम तोड़ देता है। इसे मैं वादा करती हूं कि मेरी वफादारी पे हमेशा तुम्हारी दावेदारी होगी, वो तुम्हारी आंखें होंगी,
जिन पे ये आंखें टिकेंगी वो तुम्हारा चेहरा होगा, जिसे ये देखेंगी वो तुम्हारे हाथ होंगे जो मुझे छुएंगे। और वो तुम्हारा दिल होगा जिससे मेरा दिल जुड़ा होगा। हाँ वीर, तुम रुक क्यों गए? फिर तो मुझे फौरन तुम्हारा हाथ थाम लेना चाहिए। पंडित जी। जी सातवां फेरा शुरू करें। आइए चलो पानी, इस सातवें फेरे के साथ अपनी आखिरी और चौथी वजह भी बता दूं। चौथी और सबसे जरूरी चीज प्यार है, बेशर्त, बेहद और बेइंतहा होने वाला प्यार। बस बस बहुत हुआ, हाथ छोड़। मैंने कहा हाथ छोड़ ना हाथ उखाड़ दूंगा, छोड़। क्यों? तुम इससे शादी नहीं कर सकती और मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकता। पता नहीं ये क्यों कर रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है जो हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। वीर, मैं चाहती हूं कि ये फैसला लेने से पहले तुम एक बार ध्यान से गौर से सोच लो। विराजू मेरी तरफ देखो, तुम मुझे देखो, विराजू अपनी बारी को देखो। वो दहल भानी, तुम इसके साथ कसमें वादे खा रही हो? हाँ तुमने कहा था कि आंखें तुम्हें, ये आंखें किसी और को देखेंगी। तुमने कहा था कोई तुम्हें छुएगा नहीं, हाथ तक नहीं लगाएगा। तो ये तुमने इसे इतना हक इसे दिया कैसे? तुम्हारे पास आने, तुम्हें छूने का हक तुमने इसे दिया कैसे? ठीक है, नहीं देती, ये हक सिर्फ तुम्हारा है, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। तुम मुझसे दूर क्यों हो? वापस आ जाओ ना मेरे पास, प्लीज विराजू, अपने बारी के पास वापस आ जाओ, प्लीज आ जाओ मेरे पास। और तुम तो मुझसे अभी भी बंधे हुए हो। क्या पागलपन है वीर, ध्यान से देखो, ये आसमान है, यहाँ किसी चीज की कोई सीमा नहीं है। तुम्हें जो चाहिए वो मिल सकता है, तुम्हें सिर्फ मांगना है, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। विराजू इसके बहकावे में मत आना, प्लीज मेरे पास आ जाओ, तुम उसे जाने दो, पति है वो मेरा, सुना तुमने? वीर कोई बच्चा नहीं है, वो यहाँ अपनी मर्जी से आया है और मैं उसे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। विराजू तुम जल्दी से चील बन के उड़ो वहां से, तुम्हें इसकी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है, सुना तुमने? तुमने अभी कहा ना तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, तो वही करो ना, वही करो विराजू। उसने वीर को अपने जादू से रोक रखा है, तभी वो चील नहीं बन पा रहा है। अगर भाई इसकी कैसे भी छूट नहीं पाएगा। छूटना क्यों है, यहाँ सब कुछ है, वीर को जो चाहिए उसे वो मिलेगा, बस उसे हुक्म करना है। विराजू, विराजू उसे हुक्म दो, मैंने कहा अभी उसे हुक्म दो। तुमने जो जादू किया ना, और मुझे मजबूर किया था, बस बात हो गया, मुझे वापस जाना है। ये मेरी मर्जी है, मेरा हुक्म है। वीर तुम जाना चाहते हो, तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? हाँ मैं वापस जाना चाहता हूँ, और तुम मेरी इच्छा को पूरी करोगी, हर हाल में तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी, मुझे वापस जाना है। ठीक है जाओ।
वीरांशु आ जाओ, अपनी बारी के पास आ जाओ वीरांशु, प्लीज मेरे पास आ जाओ, वो वहां दरवाजा वीरांशु। मुफ्त की दावत उड़ा के उड़ते बन रहे हो वीर, ये तो बहुत नाइंसाफी है, इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो तुम किसी और के नहीं हो सकते। मतलब ये तो नहीं कि वीरांशु बच के बाहर आ गया। खुलो प्लीज, अब हम दोनों साथ में हैं, तुम अपनी बारी के साथ हो, हम साथ हैं वीरांशु, प्लीज प्लीज प्लीज। बलवंत साहब, वो यहाँ नहीं है। ऐसी ऐसी मुश्किल घड़ी में वीर बाबा को ऐसे छोड़ के कहाँ जा सकते हो? अपनी आंखें खोलने को बोल रहा हूँ प्लीज। ये संकेत है कि वीर उस चांद की कैद से छूट गया है, आजाद हो गया। वो वीर आजाद हो गया है। नहीं, चिल्ला चिल्ला और चिल्ला, कितना चिल्ला सकती है चिल्ला। तेरे पास कितनी भी शैतानी ताकतें क्यों ना हो, लेकिन पानी के सामने तेरी एक ना चली, उसने तुझे फिर हरा दिया। और पहली बार मैं बानी की जीत से खुश हूँ, उसने जो कहा वो करके दिखाया, उसके प्यार की जीत हुई। चुप करो, प्यार का नाम तुम तो ना ही लो बलवंत, प्यार को सरेआम कैसे नीलाम करते हो ये तुम अच्छे से जानते हो। और रहा सवाल वीरांशु का, तो वो तुम्हारा सिर्फ तब तक प्यारा है जब तक वो तुम्हारे काम आएगा। बकवास बंद कर, वीर मेरा बेटा है और मैं उसके लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ, और हाँ मुझे नाज है उसकी शक्तियों पर। सच में बलवंत, एक बार जाके उसे देख क्यों नहीं लेते, कहीं तुम्हारे वीरांशु के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? और अगर हो गई होगी ना तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। नहीं, कभी नहीं, तू यहीं सड़ेगी, मैं तुझे कभी यहां से बाहर नहीं निकालूंगा। ना बलवंत ना, कभी किसी काम को ना नहीं कहना चाहिए, क्या पता आगे जाके वही करना पड़े तुम्हें। तुम्हें मेरी जरूरत है बलवंत, और तुम ये बात जानते हो बलवंत। वीरांशु, वीरांशु प्लीज अपनी आंखें खोलो ना प्लीज। वीरांशु, शुक्ला कोई तो जड़ी बूटी होगी तुम्हारे पास, कोई तरीका कोई तरकीब कुछ तो होगा यार। नहीं, इस वक्त हम इन्हें कुछ भी नहीं दे सकते। डैमिट, ये डैड फोन क्यों उठा रहे?
भाई पे बर्फ का पानी डाल देंगे। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? इससे वो शॉक में आ जाएगा। और हमें ये भी नहीं पता कि उसके भोजन की वजह क्या है। तो किसी डॉक्टर को बुला लो ना। उसको नहीं बुला सकते आंटी जी, क्या कहेंगे हम डॉक्टर से? ये हमारा भाई जान से गिरा है। पर सच तो वही। मैंने कहा ना आपसे 2 मिनट चांस ली। विरांचु प्लीज प्लीज अपनी आंखें खोलो प्लीज। अब मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ, अब खोल दो ना अपनी आंखें प्लीज। वीर, 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 कहाँ थे आप? वीर, वीर ऊपर से सीधा नीचे देखिए, अभी तक होश नहीं आए से। वीर, बलवंत साहब देखिए ना, 1 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। वीर तू, वीर, वीर, इन्हें सीधी वाली दवाई दे दे क्या? उसमें कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा हादसा पहली बार हुआ है। वीर, किसी तंत्रमंत्र वाले बाबा की हेल्प। अरे शर्म, सोचने दे। डैडी जी प्लीज रुकिए, डैडी जी प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं चाहती हूँ कि कोई गड़बड़ जरूर है। डैडी जी प्लीज प्लीज रुकिए, विरांचो को होश न आने की वजह सिर्फ गिरना नहीं हो सकता ना। डैडी जी देखिए, मैं जानती हूँ कि हम दोनों दुश्मन नहीं, ये सच है, बिल्कुल सच है, लेकिन लेकिन यह हम बात मेरे विरांचो की हो रही है, मेरे पति की हो रही है, जो मुझे बहुत प्यार है, और उसके लिए मैं कहीं ये सब मेरी गलती तो नहीं? मैंने विरांचो से कहा था कि वो चांदनी को छोड़ दे, उसे हुक्म दे, और उसी के बाद विरांचो नीचे गिरा है। लेकिन मैंने वही किया जो विकट ने मुझसे कहा था, अपनी इच्छा शक्ति पे भरोसा किया मैंने। ये सब मेरी वजह से तो नहीं हुआ है ये सब कुछ? अब इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है मतलब दादी जी, मुझे फर्क पड़ता है, इसलिए आपको मुझे बताना होगा। अगर आपने मुझे नहीं बताना तो मैं विरांचो को वो सब कुछ बता दूंगी जो आप लोग करते हैं, आपके सारे काले कारनामे। मैं जानती हूँ कि विरांचो से सब कुछ छुपा हुआ है, लेकिन मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। कैसे बता दोगे? वो होश में कहाँ है? जब वो होश में आएगा तब। जब? ये जब अगर ये सबसे बड़े सवाल होते हैं। अगर वो होश में आता भी ना। डैडी जी मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। देखो बानी, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुमने वो सब कुछ किया जो वीर को वापस बुलाने के लिए जरूरी था, लेकिन किस्मत बदलना किसी के बस में नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये सब किस्मत का लिखा था? नहीं, मैं नहीं मानती, और अगर ऐसा था भी तो मैंने अपनी किस्मत को बदला, क्योंकि आप में से किसी को भी यकीन नहीं था कि विरांचो वापस लौटेगा। मुझे यकीन था कि वो आएगा, और ऐसा ही हुआ। डैड, बानी सही कह रही है। डैड, ये बानी की यकीन की जीत है, और इसके प्यार की भी, जिसके बल पे वीर वापस आए। वीर वापस तो आ गया है, पर उस आफत का क्या जो आने वाली है? देख बानी, वीर आसमान से नहीं गिरा है, बल्कि पूरा आसमान हमारे सिर पे गिरा है। बानी, कुछ आफतें ऐसी होती हैं जो हमारी आंखों में आंखें डालकर देखती हैं और घूरती रहती हैं, और हमारे हाथ से बचने का पूरा मौका निकल जाता है, देर हो जाती है। डैडी जी अभी क्या कह रहे हैं? हमें कोई देर नहीं हुई है, विरांचो जल्दी लौट आया था। जल्दी लौट आया था सच में? लेकिन डैड, देख तपेश, मेरे पास इन सवालों को कोई जवाब नहीं है, मेरे पास ही क्या किसी के पास नहीं है। डैडी जी, वक्त निकल गया, मतलब क्या क्या कह रहे थे? मुझे बहुत फिक्र हो रही है, विरांचो को अभी तक होश। जय प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे सबसे पहले यहाँ आके तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए था, तुमने भी नहीं मदद की। वो कभी भी लड़की बकानी हो, दूसरी शादी करनी हो तो लता यार मैडम। जय प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा आइडिया भी नहीं, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो
तो तुमने बहुत पहले बुझा दी थी पानी, जब तुमने वीरांशु से शादी की थी, उसको अपनाया था। अब तो ये चोट बहुत पुरानी हो गई पानी। अरे यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुमने कोई दिल नहीं दुखाया मेरा, ना ही मेरा कोई इस्तेमाल किया। पानी, तुम्हें मदद की जरूरत थी और मैंने तुम्हारी मदद कर दी और मदद तुम्हारे काम आ गई। That's what matters, है ना? Thank you so much. You know what, Jeff? ये जो तुम्हारा एहसान है ना, मैं कभी नहीं भूलूंगी। Thank you. तुम्हारी ये जो एक्टिंग है, ये कब तक चलने वाली है? क्योंकि डांट तो तुम्हें पड़ेगी। या तो ऐसे बिस्तर पे लेटे लेटे खाओ, या ऐसे मेरे सामने खड़े होके खाओ। और हाँ, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो? ऐसे चांद पे जाके वैसे चांद तोड़ के लाने की बातें करते हैं प्यार करने वाले, और तुमने क्या किया? तुम सीधे चांद पे चले गए, वो भी मुझे यहाँ अकेला छोड़ के। और इतनी हिम्मत तुम्हारी कि तुम वहां पे किसी के साथ शादी करने वाले थे, या नहीं? एक मिनट, तुम वो सब मुझे जलाने के लिए कर रहे थे? हाँ, वो उस लड़की से शादी, क्या क्या नाम क्या उसका, चांद? जब बात उस लड़के की आती है। किस लड़के की? नाम तो लो उसका। नहीं, नाम मत लेना, उस चुड़ैल का नाम मत लेना तुम्हें। विराजू, अब बस, अब बहुत हो गया, अपनी आंखें खोलो अभी के अभी। सुना तुमने? एक तो पहली मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है, पता है क्यों? क्योंकि उस रात मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया था, बहुत बड़ा सरप्राइज, पूरा रूम सजाया था तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेके आई थी, जो तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया देने का। हाँ, क्यों? वहीं से मुझे बस ऐसे खींच के ले गए, तुम्हें पता क्या? एक मिनट, ये दिखाती हूँ मैं तुम्हें, ये देना था मुझे तुम्हें, और दिखाओ मुझे तुम्हारी रिंग का है। एक मिनट, कहाँ है वो रिंग? ये जो मेरी रिंग है, ये तुम ऐसे पहन के घूमते फिरते हो ना, सबको बोलते हो कि तुम मेरे हो, तो अब अपनी आंखें खोलो और मुझे रिंग पहनाओ मुझे, सुना तुमने? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ये रिंग पहनाओ, ताकि मैं भी कह सकूं कि मैं तुम्हारी हूँ। तो अभी आंखें खोलो और मुझे ये रिंग पहनाओ, और मैं शराफत से कह रही हूँ, हाँ, मैं एकदम शराफत से कह रही हूँ, वरना मैं शरारत पे उतरूंगी। एकदम तुम्हारी तरह मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, हाँ, अगर तुमने मुझे ये रिंग नहीं पहनाई और अपनी आंखें नहीं खोली ना, तो मैं तुम्हें किस कर दूंगी।
मैं सिर्फ 5 तक गिनने वाली हूँ। 1, 2, मैं 2 तक गिन चुकी हूँ। 3, रंजू तुम मुझसे डर नहीं लगता क्या? मैं 3 तक गिन चुकी हूँ। 4, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? ये मेरी आखिरी गिनती है। 5, क्यों रुला रहे हो मुझे? क्यों सता रहे हो मुझे? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। प्लीज अपने आगे करो, मेरी खाते में रांचू, प्लीज प्लीज ना, प्लीज आवाज आ रही है। ये किसी सांप की सरसराहट तो नहीं है? आवाज कैसी? दूसरा नाग? नाग नहीं है ये। पानी। मेरा मामी। पानी। नहीं 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 नहीं। मामी बचाओ। और डेंजरस है। आप पीछे रहो, पीछे और। बहुत खतरनाक है।
अरे साहब, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब पूरी तरह फंस गए। कुछ नहीं होगा बानी, मैं आ रहा हूं। वीर बाबा कुछ कीजिए, अपनी रूप बदलिए, हटाइए इन्हें। विराजू विराजू अपना रूप बदलो, बचाओ हमें, मैं हिल नहीं पा रही हूं। तुम्हें कुछ नहीं होगा बानी। पानी में कुछ कर नहीं पा रहा हूं। फिर आज अपने रूप बदल, कुछ कोशिश करो। कर नहीं पा रहा, इसे कैसे, इसे कोशिश करो। वीर कुछ करो, विरांचु अपना रूप बदलो, बचाओ हमें विरांचु। कुछ कर नहीं पा रहा पानी। तू फिक्र मत करो, इनसे तो मैं निपटता हूं। मीरा जी, वाणी मैं देखता हूं, तुम बाकी सबको देखो। उसे बचाना भी होता है, जो तू नहीं कर पाया। हाँ थैंक यू सो मच, तूने बानी की जान बचाई, लेकिन बानी मेरी है, मेरी पत्नी है। हाँ दादा, साले चील तक तो बन नहीं पाया।
वीर ये सब बेकार की बातें छोड़, तुझे पता भी क्या हुआ अभी? चाचू सारी बातें बाद में, अभी मुझे सिर्फ पानी पे ध्यान देना है। तुम ठीक हो? कुछ खा पी लो। मैं ठीक हूं, लेकिन तुम जो वो कल रात अजीब से जीव, क्या क्या छोड़ो, भूल जाओ ना। मुझे ये जानना कि कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ। छोड़ो ये, तुम पियो, मैं नाश्ते के लिए बोलता हूँ। अपना रूप नहीं बदल पा रहे थे, ऐसा पहले कभी हुआ है क्या? पराठे खाओगे? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या पहले ऐसा कभी कुछ हुआ है जब तुम अपना रूप नहीं बदल पाए या कुछ? वीरांचू मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या होगी नाश्ते में? मुझे भूख नहीं लगी, आधी नागिन हूँ मैं और मेरे घाव भर चुके हैं। मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हारे साथ और ये देखो ये तुम्हारा घाव है। रमेश पराठे। वीरांचू रमेश पराठे लेके आओ। मैंने कहा तुमसे वीरांचू। वीरांचू आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं, तुम ऐसे कैसे गिर गए? आई एम रियली सॉरी। क्योंकि तुम्हें कहा थे ना कि नौर में। अब समझे पानी मैं क्यों परेशान हो रहा था? क्या मतलब? मैंने तुमसे कहा था ना पानी, वीर का चांद पे जाना ठीक नहीं होगा, इसके लिए बहुत बुरा होगा। बता दीजिए, वीरांचो को तो चलाकी से बुलाया गया था, इसमें वीरांचो की क्या गलती है? इसे क्यों सजा मिल रही है? आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? हमें नहीं पता कि क्या करना है। आपको कैसे नहीं पता कि क्या करना है? आप वो शुक्ला जो आपका सतयुग में कुल गुरु था, उससे पूछे ना कि क्या हुआ है, क्या हुआ है वीरांचो के साथ, कि वीरांचो अपना रूप क्यों नहीं बदल पा रहा जबकि ये इतना ताकतवर है। पानी कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होते, हमारे काबू में नहीं होती है, और जिन चीजों का तुम्हें पता नहीं है ना उसके बारे में बोले मत। क्यों ना बोलूं? मुझे जानना है, मुझे पता करना है कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा। पानी इनफ। मेरे डैड में चाहे हजार खामियां हो फिर भी मेरे डैड है वो। इज्जत इज्जत से बात करो प्लीज। ये सब क्या हो रहा है? डैडी जी, डैडी जी प्लीज प्लीज रुकिए, प्लीज प्लीज। देखिए जब से वीरांचू चांद पे गया था और जब से वो लौट के आया, मैं देख रही हूँ कि आप ऐसे ही कर रहे हैं। अब बहुत हुआ, मुझे सीधा सीधा जवाब चाहिए। मैं जानती हूँ कि वीरांचू आपका बेटा है और उस पर आपका मुझसे ज्यादा हक है, लेकिन मैं भी तो उसकी पत्नी हूँ ना, उससे जुड़ी कोई भी बात मुझे जानने का पूरा हक है। अच्छा बानी तुम जानना चाहती हो तो सुनो, अभी जो वीर के साथ हो रहा है ना वो कुछ भी नहीं जो उसके साथ आगे होने वाला है। आपका मतलब क्या है? मैं जितना बता सकता था बता दिया, इसके आगे नहीं बता पाऊंगा। नहीं डैडी जी प्लीज रुकिए। काम डाउन माने, रिलैक्स। मुझे जवाब चाहिए वीरांचू, ये सब ऐसे यहाँ पर चुप क्यों है? कोई कोई कुछ करता क्यों नहीं तुम्हारे लिए? माने हम इच्छाधारी चीलों की दुनिया, तुम नाग नागिनों की दुनिया से बहुत अलग होती है। अगर एक चील अपनी शक्ति खो देता है, अपने परिवार को बचाने में नाकामयाब होता है, तो उसे उसकी सजा मिलती है। मुझे नहीं पता ये अजीब और गरीब जीव ये कहां से आए, क्यों आए, मुझे नहीं पता। वीरांचू प्लीज पानी कुछ देख ले, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। तपस भाई कम से कम आप तो मुझे बता सकते हैं ना कि वीरांचू के साथ क्या।
मैंने कहा था ना बानी, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हें अकेला छोड़ दो? सुना था मैंने, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी जब तक तुम खुद मुझे बताना ना चाहो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं चुपचाप बैठी रहूंगी। ये क्या जबरदस्ती है? कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि अभी भी मैं वही हूँ। जिद्दी, अड़ियल, इरादों की पक्की बानी शर्मा, वही हूँ मैं। क्योंकि मैं वो पुराना वीर नहीं हूँ, मैं बदल चुका हूँ। भला इसी में कि तुम इस बात को मान लो और समझौता कर लो। बानी प्लीज। आधी नाकिन हूँ मैं, उन बातों से समझौता नहीं करती जो मुझे गलत लगती है। तो जब तक तुम वीरांशु इस सब में हो ना, तब तक मैं भी इस सब में हूँ। मुझसे इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटने वाला तुम्हारा। हंसा हंसा तो फंसा। वीरांशु, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, मैं उसकी तह तक जाकर रहूंगी, और ये वादा है मेरा तुमसे।